हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो न्यू इलेक्ट्रिक शॉप खोलना चाहते हैं वो सबसे पहले क्या सामान रखें। जो रनिंग आइटम होता है ज़्यादातर उसका हम आज लिस्ट बना रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं जो सबसे पहले कौन सा सामान ज़्यादा यूज होता है। ऐसे तो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, एक एक करके क्या क्या सामान रनिंग आइटम में लगेगा और क्या क्या वायरिंग में लगेगा, ऐसे ऐसे हर वीडियो का पार्ट अलग अलग होगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रनिंग में हमको सबसे पहले क्या चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ये देखिए, ये जानते होंगे, ये है 2 पिन प्लग। सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है रनिंग में, इसको आपको रखना पड़ेगा पहले, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से बात करते हैं, ये होल्डर देख रहे होंगे, ये होल्डर हो गया जो लटकाने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर ये हो गया बर्फी होल्डर, ऐसे ऐसे 4-5 प्रकार का होल्डर आता है दोस्तों, ठीक है। बर्फी होल्डर, सीट होल्डर, ये आपको रखना पड़ेगा। फिर आपको ये रखना पड़ेगा, देखिए देखिए यही हो गया, इसको हम लोग मल्टी प्लग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको भी आपको रखना पड़ेगा, ये जो बहुत ज़्यादा बिकता है। उसके बाद से ये आपको रखना पड़ेगा टेप, ठीक है दोस्तों, ये टेप भी रखना पड़ेगा आपको रनिंग में पहले। उसके बाद आपको रखना पड़ेगा 0 वाट का LED आता है दोस्तों, ठीक है। 0 वाट का LED गांव देहात शहर हर जगह बहुत ज़्यादा बिकता है, फिर आपको ये रखना पड़ेगा 0 वाट का LED। और इसमें LED में देखिए, LED में आप रखिए 7 वाट, 7 वाट LED रखिए, 9 वाट रखिए, फिर आप 9 वाट रखिए, 12 वाट रखिए, 15 वाट रखिए, 18-20 वाट रखिए, ठीक है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा दोस्तों आप रखिएगा 7 वाट और 9 वाट और ये 0 वाट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है रनिंग में, तो LED में आप जान ही गए, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं, ये देखिए, ये आप देखे होंगे मोटर चलाने के लिए यूज होता है, फिर आपका हीटर प्लग कुछ भी चलाने के लिए। इसमें का ये हो गया बड़ा, ये 16 एम्पियर टॉप हो गया, इसी में छोटा एक आता है 6 एम्पियर टॉप आता है, ये दोनों आपको रखना पड़ेगा, दोनों रनिंग आइटम है, ठीक है दोस्तों। और अब इसके बाद से गांव देहात में ज़्यादातर बिकने वाला बल्ब देखे होंगे, ये 10 वाला जो बल्ब आता है ज़्यादातर बिकता है, 7-8 रुपये करीब पड़ता है ये, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको रखना पड़ेगा गाँव देहात में है तो। उसके बाद से बात कर लेते हैं, देखिए इस बोर्ड में सबसे पहले स्विच आपको रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा बिकता है स्विच, ये हो गया उसका 2 पिन, इसको भी रखना पड़ेगा। ये गोल होल्डर आता है दोस्तों, इसको भी रखना पड़ेगा। फिर ये हो गया फ्यूज, इसको भी रखना पड़ेगा। ये हो गया इंडिकेटर, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया 8-10 का बोर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरह का 8-6 का बोर्ड आता है, 8-10 का आता है, 7-4 का बोर्ड आता है, इसमें लकड़ी और ये आपको फाइबर दोनों मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी ज़्यादातर रखना पड़ेगा। स्विच उच में आपको बता ही दिए हैं, 5 पिन स्विच, 2 पिन फ्यूज, इंडिकेटर होल्डर, ठीक है दोस्तों। एक रेगुलेटर आता है, रेगुलेटर भी जो फैन के लिए आता है, उसको भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद से ये देखिए, ये हो गया फैन कैपेसिटर, जो इसमें सबसे ज़्यादा लगने वाला कैपेसिटर है दोस्तों, 2.5 आता है, ये 3.25 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से 10 का आता है जो मोटरों में लगता है ज़्यादातर, 10, 12, 15, 20, 25, 36, 40, ये सब दोस्तों रखना पड़ता है कैपेसिटर का, ठीक है। और अब इसके बाद से हम बात करते हैं MCB, देख रहे हैं, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया 10 का MCB हो गया दोस्तों, ठीक है। MCB में आपको रखना पड़ेगा 10, 6, 16, ठीक है दोस्तों, 16, 10, 6, फिर आपको 63, ये सब ज़्यादातर बिकने वाले जो MCB होता है दोस्तों, इसी में ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद से आपको रखना पड़ेगा एक TV के लिए आता है दोस्तों, 3R से लीड होता है जो बहुत अच्छा बिकता है, ठीक है, इसको भी आपको रखना पड़ेगा। फिर आप रख सकते हैं इस तरह का टेस्टर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप
शोल्डर रख सकते हैं, शोल्डर भी बहुत अच्छा दिखता है। देखिए ये गुल्ली आपको रखना पड़ेगा ऐसे। काजू पिन आता है दोस्तों इसमें 7 mm, 5 mm, 6 mm, 4 mm, ठीक है, 10 mm, 12 mm, 25 mm, इस सब काजू पिन आपको रखना पड़ेगा, सब ये अच्छा बिकता है, ठीक है। उसके बाद से एक देखिए DC पत्ता आता है जो बैटरी से जलता है, इस तरह का भी आप लाइट रख लीजिएगा, 4-5 तरह का इसमें भी आता है, ठीक है। फिर आप टॉर्च रख लीजिएगा, कई वेराइटी में टॉर्च आप कम से कम 5-7 वेराइटी में रख लीजिएगा, अच्छा बिकता है, ठीक है। फिर आप इस तरह का एक्सटेंशन बोर्ड रख सकते हैं अलग अलग कलर में, ठीक है, ये भी अच्छा बिकता है। तो यही सब है दोस्तों, आइटम तो बहुत ज़्यादा है जिसका हम धीरे धीरे करके आपको सब वीडियो बना करके डालते जाएंगे, आप देख करके उस हिसाब से जो चाहे वो रख सकते हैं। बहुत सारे आइटम हैं जिसका मैं रेगुलर वाइज वीडियो बना करके डालता रहूँगा, आप उस हिसाब से देख करके आप अपने दुकान के लिए लिस्ट बना सकते हैं और एक नई शॉप खोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।